हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से आपके चैनल टेक दी परस गोन में। आज हमारे पास वाई 12 सेट है और हम इसमें चार पांच क्वालिटी के फोल्डर चेक करेंगे। जैसे कि अपने पास केओजी भी है, एमटी का भी है, आरआई का भी है, डब्ल्यूडी का है और एक और है अपने पास जो है कि अपना हेलो कंपनी का है। तो इसमें हम इन चार पांच कॉम्बोज को टेस्ट करेंगे और इसमें हमने ओरिजिनल कॉम्बो इसलिए ले रखा है कि जिससे आपको ये टेस्टिंग करवाएंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉम्बो है। ये देखिए, इसमें वीवो का टैग लग रहा है और ये मोबाइल के साथ का है। तो सबसे पहले हम इसी को टेस्ट करेंगे और फिर इसके मुकाबले का जो कॉम्बो रहेगा ना वो देखेंगे कि इसके टक्कर का कॉम्बो कौन सा है जो हमें मतलब लेना चाहिए। और अदर क्वालिटी में ले सकते हो, ये चार मॉडल को लगता है तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और इसमें हम ब्राइटनेस चेक करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हो कि जो ब्राइटनेस का लेवल है ये कंप्लीट फुल कर रखा है हमने और ये इसका इस तरीके का ब्राइटनेस लेवल फुल है। ठीक है, अब इसके बाद में हम सेकंड फोल्डर को टेस्ट करेंगे। तो हमने केओजी को चेक करके आपको दिखा दिया है और इसके बाद में हम सेकंड जो मॉडल ले लेते हैं ये ले लेते हैं एमटी का ले लेते हैं और इसका करेक्टर लगाने के बाद में इसकी ब्राइटनेस चेक करेंगे। तो सबकी वन बाय वन ब्राइटनेस चेक करेंगे और प्राइस की बात ऐसे प्राइस इनके सिमिलर से ही हैं, सबके सेम ही हैं और बाकी मैं प्राइस आपको लास्ट में बता दूंगा। तो एमटी का फोल्डर है, ये देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस आप लेवल देख सकते हो और इसके बाद में थोड़ा फीका फीका है, थोड़ा येलो येलो कलर का है। ठीक है, तो ये मुझे बेस्ट नहीं लगा है तो इसको हम एक जगह इसको साइड कर देते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट कॉम्बो लेंगे आरआई का और उसको हम टेस्ट करेंगे, इसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे। तो इससे अपने को ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको मतलब क्वालिटी का पता चल जाएगा, मैं कौन सी कंपनी का कौन सा ब्रांड का फोल्डर लेना है तो आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये आरआई का ले लिया है और इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है ये मुझे ठीक लगा है, थोड़ा हल्का सा कम है, माइनर सा, लेकिन इसका ब्राइटनेस लेवल ठीक है, हल्का ही कम है केओजी से। तो इसको हम ले लेते हैं और इसके बाद में आपको बताएंगे कि कौन सा अपने को मेरे को सबसे बेस्ट लगा और आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा वो बताना। ठीक है, अब हम हेलो का ले लेते हैं, हेलो कंपनी का फोल्डर है ये, हीरो कंपनी का, और इसको ले लेते हैं और इसके बाद में इसको चेक करते हैं। तो आप इसमें देखते हैं, हम देखिए इसका जो ब्राइटनेस लेवल है आरआई के बराबर ही है, सेम है आरआई के बराबर। ठीक है, आरआई और जो हीरो है ये मैच कर रहा है इसमें। तो चलो, इसका ब्राइटनेस लेवल थोड़ा थोड़ा कम है दोनों का, लेकिन जब भी ठीक ठाक है ये कंपनी, एमटी से बढ़िया है, बेस्ट है ये दोनों, आरआई और हेलो। अब इसके बाद में अपना लास्ट कॉम्बो बनता है जो डब्ल्यूडी का है। WD जो ब्रांड है ये काफ़ी मतलब फास्ट चल रही है, पहले से चल रही है, कोई प्रोमोट वीडियो नहीं है ये, सिर्फ मैं क्वालिटी को चेक करता हूँ। तो अब WD का फोल्डर हम चेक करते हैं तो इसका जो ब्राइटनेस लेवल है ना वो मुझे ओरिजिनल के मुकाबले लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल टक्कर का, ये मुझे इसका ब्राइटनेस लेवल लगा है। तो देख सकते हो बिल्कुल जैसा उसका था ना ओरिजिनल का, उसी तरीके से सेम ओरिजिनल का इसका है। ठीक है, तो WD और केओजी ये इस तरीके से इनकी क्वालिटी ब्राइटनेस में मैच कर रही है और कलर वगैरह भी ठीक लग रहा है मुझे इसका, और इनके प्राइस वगैरह सिमिलर ही है सबके, ऐसा कोई खास फर्क नहीं है इनमें, 800-900 रुपए के समथिंग ही ये सारे सिमिलर रेट में अपने को मिल रहे हैं। और तो WD सबसे बेस्ट है। इसके बाद में अगर WD आपको नहीं मिलता है तो RI या हीरो में से आपके वहाँ पर जो भी ब्रांड चलता है वो आप ले सकते हो। और ये जो है ये लास्ट में फाइनली 600-650 रुपये का इस तरीके का मिल जाएगा अपने को MT का। तो ये मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।